आप सब आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग RPSC सोशियोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जो क्लास है हम लोग UPPGD का सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं, UGC नेट को भी सिलेबस कर रहे हैं। तो आप लोग सोचिए कि आज ये RPSC का सिलेबस क्यों स्टार्ट किया गया है। तो देखिए, इसका एग्जाम भी जो है वो जल्द ही होने वाला है। और आज का जो टॉपिक है वो है मीरा कोसाम्बी जी की, हम लोग थ्योरीज को देखेंगे, उन्होंने किस संदर्भ में अपनी रचनाएं की थी उसको देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये हमारा UGC नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हमारा राजस्थान सेट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हमारा UPPGD के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप बोलिएगा कि नेट के सिलेबस में तो इनको लेकर नहीं दिया हुआ गया, ना ही UPPGD के सिलेबस में इनके बारे में पढ़ने को बोला गया है, लेकिन हम लोगों को नारीवाद पढ़ना होगा, फेमिनिस्ट पढ़ना होगा, इसके साथ ही साथ हम लोग जो अर्बन हम लोग का जो स्टडीज है वो पढ़ना होगा। तो इनकी जो थ्योरी है वो अर्बन स्टडीज और फेमिनिस्ट के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए इनकी बायोग्राफी, इनके बुक्स, इनके थ्योरीज को जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का नेट का क्वेश्चंस देखिए या फिर PGD का क्वेश्चन देखिए तो उसमें इससे रिलेटेड, नारीवाद से रिलेटेड, फेमिनिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। और साथ ही साथ ये RPSC का तो एग्जाम में इनको पूरा डिटेल्स में ही बोला गया है कि इनके बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को क्लास से हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी जैसे ज़्यादा से शेयर करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं मीरा कोसाम्बी जी के बारे में। तो मीरा कोसाम्बी जी जो है ये भारत की प्रमुख नगरीय समाज शास्त्री और महिलावादी समाज शास्त्री के नाम से जाना जाता है। तो मेनली इनका जो वर्क है वो वुमेन के ऊपर में ही है। वो देख रही है कि ये जो भारत का जो इतिहास है, तो इतिहास में ऐसे बहुत सारी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, जैसे पंडित रमाबाई हो गई, उसके बाद आपका और भी जितने समाज शास्त्रियों के बारे में उन्होंने बात की है, जैसे मीरा कोसाम्बी जी ने बात की है काशीबाई जी के बारे में, इससे लेके 6 समाज शास्त्रियों को उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है। तो उन्होंने कौन कौन सा अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, और कार्य करने के बावजूद भी उनके कार्य को क्या किया गया है, समाज ने अनदेखा कर दिया है, तो उसी को लेकर उन्होंने अपने लेखनी में इसको यूज किया है। तो इनकी थ्योरी को जानने से पहले इनकी थोड़ी हम लोग बायोग्राफी देख लेते हैं। तो मीरा कोसाम्बी जी का जन्म 24 अप्रैल 1939 पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, और इनकी मृत्यु 26 फरवरी 2015 पुणे में महाराष्ट्र में ही हुई थी। इनकी अगर पारिवारिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये बहुत ही एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखती थी। इनके जो पिताजी थे DD कोसाम्बी, वो एक महान गणितज्ञ थे, महान वे खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने गणित के ऊपर, मैथ के ऊपर बहुत सारे फॉर्मूलाज के उन्होंने खोज की थी। और इनके अगर दादाजी की बात की जाए तो इनके दादाजी भी क्या वो पाली भाषा के और संस्कृत भाषा के एक प्रकांड पंडित थे, और वे बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मीरा कोसाम्बी जी का जो बचपन है वो बहुत ही बौद्धिक वातावरण में बीता है, और उनके पिताजी को जहाँ हम लोग महान मुद्रा शास्त्री, महान गणितज्ञ, इतिहासकार, समाज शास्त्री के रूप में जानते हैं, तो DD कोसाम्बी जी की ये सबसे छोटी बेटी थी। और इनका कार्य क्षेत्र क्या है, तो नगरीय अध्ययन पे और महिलावाद पे, नारीवाद पे उन्होंने अपना अध्ययन किया है। तो देखिए, इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे मेनली पूछा जाएगा कि जो मीरा कोसाम्बी जी हैं उन्होंने कौन कौन से बुक्स की रचना की है। आपको बुक्स के नेम दे दिए जाएगा, उसमें से आपको चुनना होगा, और उन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है। तो हम लोगों ने देख लिया कि उन्होंने नगरीय अर्बन स्टडीज में काम किया है, उन्होंने फेमिनिस्ट में काम किया है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। और इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं वो इसी पर ही बेस्ड है। और इन
हम लोग यहाँ तक जान लिए कि इरवान के दादाजी इनके पिताजी एक महान व्यक्ति थे। मीरा कौसाम्बी जी की अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने अपने शिक्षा जो उनकी उच्च शिक्षा है वो फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में ही कंप्लीट की थी। इसके बाद वो पीएचडी करने के लिए स्टॉकहोम विश्वविद्यालय चले जाती है, जहाँ पे उनका शोध का जो विषय है वो रहता है 19वीं शताब्दी में प्रबोधन पर्व। इस टॉपिक के उन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया था। वो समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत उन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। इसके बाद वो 20 वर्षों तक स्वीडन और अमेरिका में ही उन्होंने अपना अध्यापन का जो कार्य है वहाँ पे वे करती रही। पहले वे अमेरिका में की, उसके बाद फिर स्वीडन में उन्होंने अपना कार्य को संपन्न किया। इसके बाद वे भारत आती है। भारत आने के बाद वो NSDK यूनिवर्सिटी मुंबई में वे वहाँ पे अपना अध्यापन काम पूरा करती हैं। NSDK यूनिवर्सिटी अर्थात श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से जो विश्वविद्यालय मुंबई में है वहाँ पे उन्होंने अपने अध्यापन का कार्यक्रम किया। और वे महिला अध्यक्ष अध्ययन के क्षेत्र में तथा अनुसंधान केंद्र की प्रमुख रूप में भी उन्होंने काम किया। इनके अगर इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात की जाए तो उन्होंने मेनली इंग्लिश और मराठी में टोटल 15 बुक्स की उन्होंने रचना की थी। तो यहाँ पे मैं कुछ मेन बुक्स को लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका सबसे पहला जो बुक था वो था बॉम्बे इन ट्रांजिशन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इनकी उन्होंने किस संदर्भ में काम किया। तो उन्होंने नगरीय जीवन पे महिलाओं की जो स्थिति है वो उस किस प्रकार की स्थिति है उस पर उन्होंने काम किया कि नगरीकरण के प्रभाव में आने के कारण महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है, या फिर निजी क्षेत्रों में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनका समाज में किस प्रकार का स्थान है, उन्हें किस प्रकार की स्वतंत्रता हासिल है, साथ ही साथ परिवार के अंतर्गत उन्हें किस प्रकार की स्वतंत्रता हासिल है, इसके संदर्भ में भी उन्होंने काम किया है। तो वे एक समाज के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछती है कि इस जो ये जो बदलता हुआ हमारा समाज है तो उसमें महिलाओं का स्थान किस प्रकार का है, किस प्रकार का स्थान है जो महिलाएं रखती हैं, शहरीकरण के प्रभाव में आने के कारण महिलाओं के जीवन में किस प्रकार वो प्रभावित हुआ है, इन सभी के बारे में वे बात करती हैं। और मीरा कौसाम्बी जी का जो वर्क है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। उन्होंने बहुत ही जो अपने अपने क्षेत्र में महान जो महिला हस्ती थी उनका लेकर उन्होंने अध्ययन किया है। हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो इनका जो सबसे पहला उन्होंने बुक की रचना की थी बॉम्बे इन ट्रांजिशन द ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ ए क्रॉनिकल सिटी, ये जो पुस्तक थी इसकी रचना उन्होंने 1980 में की थी। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या बात की कि जो बम्बई शहर है वो 1880 से लेकर 1980 के मध्य जब औपनिवेशिक शासन हुआ, जब अंग्रेज लोग आकर यहाँ पर बसे थे, तो उस समय वहाँ पे किस प्रकार के कारण वहाँ की जो विभिन्न ऐतिहासिक स्थिति है, वहाँ का जो जनसंख्या है, वहाँ की जो सामाजिक परिस्थिति है, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आया है, इसका इन्होंने अपनी इस पुस्तक में वर्णन किया है। सेकेंड इनकी पुस्तक है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ये इसका लेकर एग्जाम में पूछा ही जाता है। मतलब हो गया कि जब 19वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत में महिलावादी आंदोलन पर उन्होंने बात की है, पश्चिमी भारत अर्थात उन्होंने महाराष्ट्र, मुंबई, इन सभी के बारे में, गुजरात, इन सभी के बारे में अध्ययन किया है और बताया है कि शुरुआत में भारत में जब ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था तो उस समय महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कि कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे या कौन कौन से आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट इनकी बुक है धर्मेंद्र कौसाम्बी, इसमें उन्होंने अपने पिताजी की जीवनी को लिखा था, उन्होंने अपने दादाजी की जीवनी को भी लिखा है, तो उन दोनों की जीवनी को भी उन्होंने अपना लिखा। फिर इनकी नेक्स्ट बुक है जेंडर कल्चर एंड परफॉर्मेंस मराठी थिएटर एंड सिनेमा बिफोर इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के पहले जो मराठी रंगमंच है उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी थी,
किस प्रकार से जो कल्चर है या उनकी जो स्थिति है, रंगमंच क्या होता है, जो हमारा दैनिक जीवन है उसको ही हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो महिलाओं की किस प्रकार की स्थिति है इसके बारे में उन्होंने लिखी। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है इंटरसेक्शन यानी दोराहा, सोशियो कल्चर ट्रेंड्स इन महाराष्ट्र। जब महाराष्ट्र में सामाजिक सांस्कृतिक जब आंदोलन हो रहा था, जो महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हो रही थी, तो महिलाएं जो थी वो किस प्रकार से दो राहे पे खड़ी थी और कौन उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक जो संबंध है वो उन्हें किस प्रकार से प्रभावित कर रहा था, इसके संदर्भ में वे लिखते हैं, वे बताती हैं कि कैसे जो एक हमारा क्या होता है कि बोला जाता है कि महिलाएं जो है वो सामाजिक रूप से जकड़ी हुई है, संस्कृति के माध्यम से जकड़ी हुई है, तो किस प्रकार से कोई एक स्त्री जो है वो दोराहे में बढ़ जाती है। नेक्स्ट इनकी बुक है महात्मा गांधी एंड प्रेमा कंतक एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप। इसमें महात्मा गांधी और जो प्रेमा कंतक है इनके महत्वपूर्ण कार्यों के, ये भी एक फेमिनिस्ट महिला है, इन्होंने किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ सहयोग किया था, इनकी जीवनी को उन्होंने अपने इस में बात की है। नेक्स्ट है काशीबाई कानिटकर जो कि प्रथम महिला चिकित्सक है, उनके जीवनी को उन्होंने अपनी इस पुस्तक में वर्णन किया है। देखिए हर एक महिला जो कि अपने अपने क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य कर रही है इसका वर्णन मीरा कोसाम्बी जी ने किया था। फिर उन्होंने पंडिता रमाबाई के संदर्भ में भी लिखा, पंडिता रमाबाई से वे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी, उनके संदर्भ में भी लिखा। और जहां तक इनकी बात है पंडिता रमाबाई की, तो इनका भी एक विवाद बहुत ही ज्यादा फेमस है कि जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका जाते हैं अपने धर्म उद्देश्य को बताने के लिए, अपने धर्म का उन्होंने जब वो प्रचार किया था बताया था, तो उसमें वे भारत की महिलाओं की स्थिति के बारे में उतना डिटेल्स में नहीं बोल पाए थे, तो पंडिता रमाबाई जी इसकी बहुत उन्होंने आलोचना की थी कि स्वामी विवेकानंद जी वो महिलाओं को दरकिनार कर दिए, उनकी स्थिति को दरकिनार कर दिए, तो ये चीज बहुत आलोचना हुई थी उस समय, उनके बहुत आलोचना चली थी। इसके बाद फिर उन्होंने निवेदन दिया है, निवेदन में वे मीरा कोसाम्बी जी अपने दादाजी धर्मेंद्र कोसाम्बी जी के जो उनका बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के कारण वे कौन सौन से जो स्थिति थी, कैसे उनके जीवनचर्या था, इसके संदर्भ में वे बात करती हैं। इसके बाद फिर छह महिला समाजशास्त्रियों को लेकर, छह महिला लेखिकाओं को लेकर उन्होंने एक बुक लिखी थी वुमेन राइटिंग जेंडर, इसमें छह महिला लेखकों का वर्णन किया गया था, काशीबाई कानिकर, इंदिरा भाई विभावरी, सुरूरकर, गीता शाने, शकुंतला प्राजे, प्रेमा कार्तिक, इन सभी के संदर्भ में लिखा। तो आई होप आप लोगों को मीरा कोसाम्बी जी की जो थ्योरी है और इनके जो इम्पोर्टेंस बुक है वो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।